ये भी भाई हमारे फिलहाल सब्सक्राइबर ही हैं और वीडियो देख के, भाई वीडियो देख के आए यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हो तो हाँ, तो हमारे ऑडियंस को भाई हाय बोल दो एक बार। तो भाई तो ये है अपनी मार्केट चांद चौक की मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज की वीडियो में आज हम जाने वाले हैं आपकी और हमारी फेवरेट मार्केट चांदनी चौक मार्केट। हाँ, मुझे पता है आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई तेरी कैसे फेवरेट मार्केट हो गई, तूने तो यहाँ का बंदों को एक्सपोज करने का ठेका ले रखा है। लेकिन आपको यहाँ की एक रियलिटी और बताऊँ, यहाँ पे जो बेसिकली जो कैमरा के जो एक्सेसरीज के जो सामान होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो मेरे पास जो लाइट थी, जो कैमरा लाइट थी जो डिजिटेक की थी, उसकी मतलब ऑनलाइन प्राइस 4000 रुपये थी, मेरे को 2500 मिल गई थी। जो मेरी फ्लैश लाइट थी वो भी तकरीबन 4000-4500 रुपये की थी, मेरे को यहाँ 2600 रुपये की मिल गई थी। तो ये मार्केट एक इस हिसाब से भी ठीक है, यहाँ पर सस्ते में बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। नए सामान की बात कर रहा हूँ, पुराने का तो यहाँ पर भाई भरोसा उठ गया है। तो फिलहाल मैं अपने घर से निकला तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि अब मेरे को अपना इंट्रो शूट करना था, तो अभी फिलहाल अपन चलेंगे चांदनी चौक और आपको मैं शुरू से एंड तक दिखाऊंगा। और हाँ, अगर वीडियो बन पाई वहाँ की मार्केट की तो मैं मना लूँगा, अदरवाइज़ भाई मेरे को इस मार्केट की वीडियो बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ अपने जो मेरे जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, कैनन M50 Mark II का एक लेंस अडेप्टर लेने, क्योंकि इसके लेंसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इन्हेंस करें। तो चलते सीधा मार्केट में मिलते हैं और फिर देखते हैं किस टाइप की वीडियो बनती है, किस टाइप की वीडियो नहीं बनती है। और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और मिलते हैं। तो गाइज़ ये है मेरे सामने, ये है लाल किला और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आपकी चांदनी चौक की मार्केट चालू जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ से, अगर आप ये सामने जाओगे तो यहाँ से आपकी चांदनी चौक की मार्केट यहाँ से चालू हो जाएगी और इसी के अंदर अपनी चांदनी चौक चौधरी उच्चा मार्केट, जहाँ से हमें इस कैमरे का लेंस अडेप्टर परचेस करना है। तो चलो फिर चलते हैं और आपको दिखाते रहूँगा वीडियो किस टाइप से बन रही है, किस टाइप से नहीं बन रही है। तो ये है अपनी मार्केट चांदनी चौक की मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और अपन थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो यहीं से थोड़ा आगे जाओगे तो यहीं से कैमरों की यहाँ मार्केट लग जाती है। बाकी यहाँ सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ दिख रहा होगा फोटो मार्केट करके एक यहाँ बैनर आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ कैमरा फोटो मार्केट। तो यहीं से हमें अंदर जाना है और उसके बाद देखना है कि किस टाइप की यहाँ पर हमें लेंस मिलता है कि नहीं भी मिलता है। कह रहा हूँ भाई, मेरे को यहाँ बंदे ना मारना होना चालू कर दे, क्योंकि मेरी वीडियो हुई पड़ी है वायरल और यहाँ अगर पहचान लिया भाई दुकान वाले ज़्यादा मारेंगे मेरे को, बाकी दूसरों को तो पता नहीं। तो अभी चलते हैं अंदर, चलते हैं देखते क्या होता है। कागज में सस्ता सामान मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये M सीरीज के सारे मॉडल में यूज हो जाएगा नहीं? चलो ठीक है, लेकिन भैया चलाने के लेंस नहीं हमारे पास, लेंस मतलब एक आए नहीं, आप चेक करा के दे दोगे? फिर कंफर्मेशन करा दोगे? लेंस चला नहीं चल जाता है, तो उसको पूरे दिन ये काम होता है। और अगर नहीं चला तो फिर क्या भैया? तो ऐसा खोल के देख तो लूँ भैया, अगर क्या दिखा रहे लाइव अनबॉक्सिंग, 4-5 दिन में डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन इससे बढ़िया हमारा काम रुक जाएगा, मैं कैश नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, 3400 रुपये का ऑनलाइन में काम बना रहता हूँ। चीनी भी स्वाद अनुसार,
बंद तो कर, चेक करके देखते हैं ना। तो हमें ये लेंस जो विल्ड्रॉक्स का जो अडेप्टर है मिल चुका है हमें ऑनलाइन 3400 रुपये, और यहाँ हमें 3000 रुपये मिल गया। और हमें एक भाई और मिल गए, क्या नाम भाई आपका? अल्तमस। कहाँ था, दिल्ली से ही हो? तो ये भी भाई हमारे फिलहाल सब्सक्राइबर ही हैं, और वीडियो देख के, भाई वीडियो देख के आए यहाँ पे? अभी वीडियो देख रहे हो? तो हाँ, तो हमारे ऑडियंस को भाई हाय बोल दो एक बार। तो भाई भी यहाँ पे आप कैमरे का चार्जर लेने आए थे, चार्जर की बैटरी, हाँ बैटरी लेने आए थे, तो इनको थोड़ा महंगा लग रहा, सस्ता लग रहा था, हमसे इन्होंने पूछ लिया। तो इस विल्ड्रॉक्स के अडेप्टर के बारे में बता दूँ, ये बेसिकली ये M50 का जो इसके जो लेंसेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, ये EF माउंट जो ES EF माउंट M जो अडेप्टर है इसको इसके अंदर अडेप्ट करके, और जो कैनन के जो पुराने जो DSLR के लेंसेज है ना उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और इसके लेंसेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये जो अडेप्टर है ये विल्ड्रॉक्स कंपनी का है, ठीक है। इसका कैनन का भी आता है, लेकिन कैनन का महंगा होता है, तकरीबन वो 8-9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये भी मतलब पड़ जाता है। और ये ऑनलाइन ये 3400 रुपये का है, मुझे यहाँ पर 3000 रुपये का मिल गया है, तो ये एक अच्छी डील है। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि ये मार्केट भाई पुराने सामान में तो वैसे ही बदनाम है, आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के आप लोग मेरी मतलब समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ जो नए सामान होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये। अभी मैं आपको डिफरेंस डाल के दिखा दूंगा, अभी ऑनलाइन दिखा दूंगा, और मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा। तो इस चीज़ के लिए आया था, तो और ब्लॉग में आप सभी लोगों का बने के धन्यवाद। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, एक बार घर जाके देखेंगे अपने स्टूडियो में किस टाइप इसकी अनबॉक्सिंग होती है कि नहीं होती, और इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो देखने में सही लग रहा है, और हमारे पास कोई 50 mm था नहीं कि हम उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब ने बोल दिया कि अगर ये सही होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो कह रहे हैं हमारी दुकान पर आ जाना, तो कुछ इस तरह का सीन है। देखते बात, और यहाँ पे हमें अपने ही सब्सक्राइबर मिल गए, और यहाँ पे अपने कैमरे की बैटरी लेने आए थे, और हमसे पूछ रहे थे कि भाई हमें वीडियो कैमरा कौन सा अच्छा रहेगा। मैंने बोला कि आपके पास अभी कौन सा मॉडल है, तो कह रहे हैं कि भाई मुझे निकोन का D3200 दिया था, और उन्होंने ये बोल के दिया था कि वीडियो और फोटो के लिए अच्छा कैमरा है। तो आपको पता ही है, वो कह रहे हैं मुझे रील शूट करना है, तो रील के लिए कहाँ अच्छा कैमरा है। और जब मैंने उस कैमरे को खरीदा था तो वो तकरीबन 12,000 रुपये का मैंने लिया था, और इस भाई को उन बंदों ने 18,000 रुपये कैमरा दिया। आप समझ सकते हो कितना था, 12 और 6 में कितना फ़र्क होता है, वो भी 18-55 लेंस के साथ। और मैंने उसको यार मैंने 18,000 रुपये में मैंने 70-300 का लेंस भी मैंने ले लिया था, यार ये कहानी है, आप क्या ही कह सकते हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज छोटा क्या बुरा होता है।